क्या कहना चाहेंगे इसके प्रेजेंटर रितेश जी के बारे में, निर्माता जो एम्पायर दुबे और निर्देशक अजय कुमार जी के बारे में? कंप्लीट एंटरटेनर फिल्म है, जैसा नाम बताता है, एक रोमांटिक फील भी देता है. और मुझे लगता है आज जो हालात हमारे यहाँ पे है, कोविड के इस भयावह परिस्थितियों के बाद में लोगों को फिर से एक बार इंडस्ट्री का रुझान होने जा रहा है. सो मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट चीज़ अगर कुछ हो सकती है तो वो है एक एंटरटेनिंग फिल्म. और जितेश दुबे जी और पायल दुबे जी इसके निर्माता हैं, तो मुझे लगता है इनका इंडस्ट्री से थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं कट ऑफ हुआ था और एक कमबैक ज़रूरी था. तो मुझे लगता है इससे बेस्ट फिल्म हो नहीं सकती है, क्योंकि ये कंप्लीट एंटरटेनर फिल्म है और हमारी इंडस्ट्री आप जितनी देखेंगे सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट पे चलती है. म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट ये हमारी इंडस्ट्री का बेस है. सो आई रियली वॉज वेरी हैप्पी. ये भी कहते हैं मल्टी स्टार फिल्म है, आपके अलावा रानी जी भी हैं, गुंजन जी भी हैं और एक्टर में भी आपको प्रिंस जी हैं, विनय जी हैं और सुदीप जी हैं. क्या कहना चाहेंगे मल्टी स्टार फिल्म में काम करने का पहले का अनुभव कैसा था और बाकी जितने आर्टिस्ट हैं उनके क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले डायरेक्टर के बारे में बताऊँगी मैं. हमारे डायरेक्टर सर हैं अजय कुमार जी, इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी फिल्में जितेश दुबे जी की फिल्मों में के साथ में डायरेक्टर रहे हैं. और सैया सुपरस्टार, फिर यादव पानी भंडार और काफ़ी सारी फिल्में की हुई हैं जो कि काफ़ी चर्चित रही हैं. तो उसके बाद में जब ये जुड़ना हो रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी फिल्म 100% बनने जा रही है और उसका मैं पार्ट हूँ. हमारी इस फिल्म में जो कलाकार हैं, हमारे सह कलाकार में है रानी जी, गुंजन जी और सुजीत जी, प्रिंस जी और विनय आनंद जी, जो एंटरटेनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं. और स्पेशली गर्ल्स, हम लोगों को कभी मस्ती मजाक के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए. तो मुझे लगता है कि ये कंप्लीट एंटरटेनर लाइट कॉमेडी और लोगों को हंसाएगी और हो सकता है एट दी एंड कुछ ऐसे इमोशंस भी हो जो लोगों को बहुत पसंद आएंगे. सो मज़ा आ रहा है. इसके लिए समझाऊँ कि मतलब पास्ट में भी आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पीरियड का हिस्सा रहे, रिसेंटली जो कहना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था जिसमें आपने काम किया, क्या कहें, और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपके प्रोजेक्ट्स को? मुझे लगता है कि देखिए जब भी जो भी काम करो दिल से करो और खूब मज़ेदार करो, यही मेरा मानना है. तो ये फिल्म जब मुझे ऑफर हुई तो मुझे ये लग रहा था कि मैं क्यों करूँ फिल्म. तो मेरे लिए हमेशा मायने रखता है कि जब भी कोई काम करो तो लोगों को कुछ उसमें मिले. मुझे लगता है कि बहुत समय बाद कोई एक ऐसी फिल्म जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, बहुत टाइम से मैंने बहुत सीरियस टाइप का काम काफ़ी किया लेकिन एंटरटेनर कॉमेडी और इस टाइप के सब्जेक्ट्स से हम लोग बहुत मतलब मैं भी काफ़ी हट गई थी. तो जब इन्होंने कहा कि उनकी ज़िद थी कि आपको इस फिल्म का पार्ट बनना है, क्योंकि कई सारी फिल्मों की जो एंटरटेनमेंट फैक्टर मेरी रही थी वो मिसिंग थी, मैं कर नहीं पाई थी, तो उन्होंने जब कहा तो मुझे भी लगा कि हाँ why not, let's just give it a try and do some entertainment for the audience. Lastly, जान चाहूँगा इसके अलावा कोई स्क्रिप्ट है जो पढ़ रही हैं या कोई ऐसा एक्साइट कर रहा है आपको प्रोजेक्ट को? जी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी अप्रोच हो रहे हैं सिंस लॉकडाउन अनलॉक होने के स्टेट में भी शुरू हो चुका है. तो नो डाउट प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स जब भी रहेंगे चुनिंदा फिल्में मैं करूँगी ताकि लोगों से मेरा जो जुड़ाव है वो भी जुड़ा रहे और कंटिन्यूसली मुझे उनका प्यार मिलता रहे. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.